राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस का एक बार फिर क्रूर कारनामा देखने को मिला। पुलिस में तैनात सिपाहियों ने दरिंदगी पेश की है। ये घटना पश्चिमी दिल्ली के रानीबाग इलाके की है। दिल्ली पुलिस पर आरोप है कि उसने दिल्ली से भाजपा के विधायक रह चुके बेटे और पोते से मारपीट की। इस घटना पर विधायक के परिजन तुषार गुप्ता का इस घटना पर क्या कहना है, जरा सुनिए। एस यूजुअल सर, हमारे घर के बाहर हमारी स्कूटी खड़ी गई थी। 3 दिन से हमारे घर के बाहर स्कूटी खड़ी हुई थी क्योंकि हमारे छोटू के फ्रैक्चर हो गया था। हमारे घर से सर सुबह रात की बात है, करीब 10 बजे की, थाने वालों ने, 2 थानेवार से कांस्टेबल आए, रघुवीर जी और एक और सिविल ड्रेस वाले थे, उन्होंने हमारी स्कूटी घसीट के थाने ले जाने की कोशिश करी। जब गार्ड ने उनको रोका तो उन्होंने गार्ड से 200 रुपये की मांग करी गई थी। जब गार्ड ने मना कर दी और गार्ड ने कहा कि हमारे बाऊजी की स्कूटी है, फिर भी वो नहीं माने। हमने ऊपर से चिल्लाए कि आप प्लीज़ अपनी हमारी स्कूटी छोड़ दीजिए, वो कहते थाने आके ले लो। हम जब मेरा छोटा भाई गौरव तो सिर्फ 17 साल की उम्र का है, वो थाने गया तो उसने वहाँ जब उनसे पूछा कि आप किस कारण हमारी स्कूटी लाए हैं, तो उसने वहाँ 200 नहीं, उन्होंने वहाँ 1000 रुपये की मांग करी। जब सर हम जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने अपनी हवानियत दिखाते हुए पीड़िता को हैवानों की तरह पीटा है। उसके शरीर पर जगह जगह गंभीर चोट निशान है। वहीं दिल्ली पुलिस ने पीड़ित के परिवार का हाथ पकड़कर थाने में घसीटने की कोशिश की और साथ ही अश्लील टिप्पणी भी की। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब दिल्ली पुलिस ने किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया। इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार को सुधारना होगा। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।